अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माई टी वी और माई टी वी की जानिब से खुशामदीद। अगर आपके ऑडासिटी सॉफ्टवेयर में इक्वलाइजेशन का ऑप्शन मिसिंग है और आप इस फंक्शन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इक्वलाइजेशन एक ऐसा फंक्शन है जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं और इसके इस्तेमाल से आप अपनी आवाज़ में एक प्रोफेशनल स्टूडियो वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वलाइजेशन को अपनी रिकॉर्ड की हुई वॉइस पर अप्लाई करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम ऑडासिटी के सॉफ्टवेयर में जो इक्वलाइजेशन का फंक्शन मिसिंग है उसको चेक करते हैं कि उसकी वजह क्या है। अगर आपके पास ऑडासिटी इंस्टॉल है तो उसको पहले देख लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी जो ऑडासिटी इंस्टॉल है, हमने इसको ओपन किया है। ओपन में जाके हम इसके बारे में चेक करते हैं कि हमारे पास जो ऑडासिटी है वो कौन सा वर्जन है। तो हमने ये ऑडासिटी ओपन कर लिया है। उसके बाद हमने अबाउट ऑडासिटी में जाना है। तो हमारे पास जो ऑडासिटी है वो 2.2.2 है, ठीक है। इसके ये फीचर्स हैं सारे लिखे हुए हैं। अब हमारे पास जो इक्वलाइजेशन का फंक्शन है वो ये यहाँ से इको से नीचे इक्वलाइजेशन शो हो रहा है, लेकिन जो इससे न्यू फंक्शन जो इससे न्यू वर्जन है उनमें ये ऑडासिटी में इक्वलाइजेशन का ऑप्शन मिसिंग है। तो सबसे पहले हम इसकी रीज़न तलाश कर लेते हैं। हम यहाँ से गूगल हमने अपना पेज ओपन किया है और यहाँ हमने लिखना है ऑडासिटी इक्वलाइजेशन मिसिंग। तो इसको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी। इसके बाद हमने इसको ओपन कर लिया। ये ऑडासिटी का ऑफिशियल फॉरम है। इस पे जो भी न्यू रिलीज या न्यू अपडेट आती है वो इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तो आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम इक्वलाइजेशन को अपने इफेक्ट में अपने ऑडासिटी में इंस्टॉल भी करेंगे। तो वीडियो देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल माई टी वी सब्सक्राइब नहीं किया तो माई टी वी को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको यूट्यूब के चैनल पर हासिल होती रहे। तो अब हमारे पास जो वर्जन था वो 2.2.2 था। अब इसमें जो 2.3.3 है उसमें इन्होंने दो नए फिल्टर्स दिए हैं। एक ये फिल्टर कर्व के नाम से और दूसरा ग्राफिक ईक्यू के नाम से। ये दोनों फिल्टर इफेक्टिव हैं, लेकिन ये जो इक्वलाइजेशन के लेवल के नहीं हैं, ये थोड़ा सा नॉन इफेक्टिव है। तो हमने अगला वीडियो जो है वो इक्वलाइजेशन से रिलेटेड बनाना है और अपने ऑडासिटी में देखना है कि हमारे पास जो इक्वलाइजेशन का फंक्शन है उसको कैसे लॉगिन करना है। तो यहाँ लिखना है ऑडासिटी 2.2.2 डाउनलोड्स। गूगल का पेज ओपन करके हमने यहाँ से इस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने साइट्स ओपन हो जाएंगी। तो पहली साइट एक ये वाली है। इस साइट का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं फाइल हिपो के नाम से, वरना आपके पास एक और साइट है जिसका लिंक जो है वो यहाँ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से भी आप 2.2 को डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक तीसरी साइट है जिसमें ऑडासिटी के सॉफ्टवेयर का बारे में जो 2.2 है वो आप इस जगह से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस साइट का भी आपको फाइल प्योरमा के नाम से ये है, इसका भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से आकर इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस टाइम जो ऑडासिटी न्यू वर्जन चल रहा है ऑडासिटी का, वो हम देख लेते हैं कि कौन सा है। और audacityteam.org इस वक्त जो न्यू वर्जन है ऑडासिटी का वो लेटेस्ट वर्जन, जो जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कर्सर के नीचे 3.1.3, ये इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है और ये इनके ऑफिशियल फॉरम पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने अपने ऑडासिटी में जो है वो इक्वलाइजेशन का फंक्शन को ओपन करना है, तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया साइट, आप इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस साइट के ज़रिए 2.2 को सिंपली नेक्स्ट करके जैसे आप इंस्टॉल करते हैं तो आप वैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो 17वां वीडियो होगा उसमें हम इक्वलाइजेशन को अपनी रिकॉर्ड की गई वॉइस पर अप्लाई करेंगे। आप उसमें जब 2.2.2 को इंस्टॉल कर लेंगे
तो आपको इक्वलाइजेशन का फंक्शन ओपन नज़र आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपने, अगर आपके पास 3.3.3 वर्जन है या 2.3.3 है, तो उसको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। आप उसको अनइंस्टॉल कर लें, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो 2.2.2 को आपने इंस्टॉल कर लेना है। उम्मीद है आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ गए होंगे और हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर इससे रिलेटेड कोई कमेंट्स पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।